नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है आज मैं आपको एक घमंडी बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहानी किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था उसका एक बेटा और एक बेटी थी बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों की शादी करके इस संसार से चल बसे बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी उसके पास बहुत धन था नौकर चाकर थे, धन की कोई कमी नहीं थी बेटा बेचारा बहुत गरीब था वह दिन भर खेतों में काम करता फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो अलग से मजदूरी भी करता उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलता था उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की साफ सफाई करती फिर भगवान शिव की पूजा करती थी भगवान शिव में बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी घर की हालत चाहे जैसी भी हो वह पूजा पाठ जरूर करती थी इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी एक बार बहन की ननद की शादी थी उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है मुझे उसमें जाना है तब उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और न कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो तो इस पर उसके पति ने कहा नहीं नहीं मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए इस तरह अपनी कर, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं फिर भी आ गया है उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहने लगी दीदी तुम्हारा भाई आया है तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं इसलिए मैं नहीं जा सकती मुझे उनसे शर्म लगती है तुम तो मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है तब उसकी देवरानी कहने लगी दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह-जगह से घिसे हुए हैं उनके हाथ में एक ठेला भी है जिसमें उन्होंने कुछ रखा हुआ है यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है परिवार में सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी तब भाई कहने लगा बहन, मेरा तुमसे मिलने को बड़ा मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी बहन कहती है ठीक है अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना बेचारा भाई पैदल गया था भूखा प्यासा था लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली धीरे धीरे दो दिन बीत गए बहन ने दरवाजा नहीं खोला शादी में काफी रिश्तेदार आये हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था जब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया दरवाजा थपथपाने की आवाज सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती भाई बेचारा दो दिन से भूखा प्यासा था उसी हालत में वह वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अदमरा सा हो गया था अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखने वाले भगवान शिव और मां पार्वती यह सारा दृश्य देख मां पार्वती ने कहा कि यह तो बेहोश हो गया है तब मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी पत्नी हमारी भक्त है हमारी पूजा अर्चना करती है हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती यह भूखा प्यासा है भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान शिव ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए हम उसके पास जाते हैं भगवान शिव ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया इसके बाद वे दोनों वहां प्रकट हो गए माता पार्वती ने उसका सिर अपने गोद में ले लिया और बोली, बेटा, खोलो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा तो वह उस बूढ़ी मां से कहने लगा कि आप कौन हैं? तब वह बूढ़ी मां कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई और उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है बूढ़ी माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा माता पार्वती ने उससे पूछा बेटा क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो तब वह माता से कहने लगा मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मेरी बहन की ननद की शादी थी उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया लेकिन मैंने भाई होने के नाते जरूरी समझा मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता इसके बाद उसने सारी आप बीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे वहाँ से क्या लेकर आए हो तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा वह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा बेटा चिंता मत करो थोड़ी दूर हमारे साथ चलो वहां पर मेरा बगीचा है बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ वह बोला माँ यह ठीक रहेगा उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर रख लिए और घर की तरफ चल पड़ा वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बीवी बच्चे भागकर आते हैं उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज लेकर आए हैं उसका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था बुआ तो बहुत पैसे वाली है इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे वह से बाहर चला जाता है। उसकी बीबी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखे हैं, जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज्यादा दे दिया उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा इसलिए ननन ने इतना ज्यादा दे दिया है बहू जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं जब उसका पति घर आया तब वह उससे कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया है उसका पति यह सोचकर शक पका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीजें मिलती हैं। और तुम ये खीरे और तरबूज लेकर आए हो वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है मैंने तो देखा नहीं है तब वह बोली कि जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा हमारी ननद कितनी अच्छी है उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए अब काफी दिन हो गए थे उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम ननंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी ननंद तो अमीरी के घमंड में चूर थी उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से गया है वह कैसी हालत में होगा उससे तो उसे कोई लेना देना नहीं था उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है तो तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आ जाओ वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी तब उसका भाई कहने लगा ठीक है मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा अब भाई के पास भी काफी पैसे थे वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और वह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल दिया जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी दिवरानी ने उसे देखा और वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी दीदी तुम्हारा भाई आया है तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी मेरा भाई आया है तो किस भेस में आया है उसकी देवरानी कहने लगी तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने में ही जाऊंगी। वह दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है लेकिन उसने वह सब मन में ही रखा फिर वह अपनी बहन से बोला बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे वह बुला रही है तब बहन बोली हाँ भाई मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ वह मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी सानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है क्योंकि उसे तो यही लगता है कि अपनी ननद की वजह से ही वह अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए है और उसके दुख के दिन बीत गए हैं तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती है वह मन से यह मानती है कि मेरी इस ननद ने हमारी मदद की है इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते यह सोचकर अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है उसकी ननद कहती है मुझे यह साड़ी खरीदनी है और यह मुझे लेना है जो भी वह फरमाइश करती उसकी भाभी उसे दिलवा देती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ अब ननद का बापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला ठीक है, तो है लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो मोची बोला ठीक है मैं बना देता हूँ मोची ने कहा कि भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए एक दो दिन का समय लगेगा उसने कहा कि ठीक है वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा बहन एक दो दिन और रुक जाओ फिर तुम चली जाना एक दो दिन तो तुम और रुक ही सकती हो तब तक जूते भी बनकर आ जाएंगे उसकी बहन बोली ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी दो दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई जूती पर बहुत मीना करी और कड़ाई की हुई थी उस पर हीरे मोती हुए थे। यह देखकर बहन बहुत हुई। जब वह पहनती तो उस जूती में से आवाज आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब उसका पति कहने लगा कि यह तो जूती है जैसे मोची ने बना दी वैसी बन गई लेकिन ये क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता बहन को अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया गया है अब उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती डाल ली जैसे ही वह चलती जूती बोलने लगती गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता कोई रिश्तेदार नहीं होता अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और इतना कुछ होने के बाद भी वह लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई उसकी भाभी अपने पति से पूछने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो तब उसका पति बोला कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा वह बोली नहीं नहीं तुम उसे जरूर कुछ छुपा रहे हो वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है वह मुझे भी बता दीजिए तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननंद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया मैं दो दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रहा इसके बाद मेरी बहन की बहनजी की बहू ने कमरा खोला मैं वहाँ से निकलकर भाग गया वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता चाहे वह बहन और भाई का ही क्यों न हो वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा तभी एक बूढ़ी माँ एक साधु बाबा के साथ वहां आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया मेरी सारी कहानी सुनी तो मैंने जब उन्हें कहा मैं अपनी बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ मैं अपने बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बगीचा है तुम बगीचे में से अपने थैले में तरबूज और ककड़ी भरकर ले जाओ मैं वही तरबूज और ककड़ी घर लेकर आ गया उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है उसकी पत्नी कहने लगी मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे अवश्य ही भगवान शिव और माँ पार्वती थे जिनकी मैं पूजा करती हूँ भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर अपनी कृपा की है उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं तब उसका पति कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं अगर वह मुझे घर से ना निकालती मेरा निरादर न करती और मुझे भूखा न रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान और मां पार्वती की कृपा नहीं होती किसी न किसी रूप में यह सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही है उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे यह महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया तब पत्नी कहने लगी आप चिंता मत कीजिए ऐसा कभी नहीं होगा भगवान ने हमें इतना दिया है जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सके लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं है अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे वह जब भी अपने माइके आएंगी जब जो वह कहेंगी हम उसे वही उपहार देंगे उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगे उनको समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते जय हो भगवान शिव की जय हो माता पार्वती की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए धन्यवाद दोस्तों